Welcome to Creepy Corner, your destination for bone-chilling tales of horror. But before we jump into these terrifying encounters, don't forget to hit that subscribe button and turn on the notification bell for more horror videos like these. जैसे ही इसने किचन की दहलीज पर कदम रखा वो ठिठक कर रुक गई। सामने स्लेब पर कोई अजीब सी चीज पड़ी थी। वो धीरे धीरे कदम उठाती आगे बढ़ी तो बेख्तियार खौफ की एक लहर इसके रगों पे में सरायत कर गई। स्लेब पर चूल्हे के पास एक बड़े साइज की चमगादड़ बेहिस हरकत पड़ी थी। उल्टे कदमों वापस किचन की दहलीज तक आई, एक हाथ सीने पर रखे वो फटी फटी आंखों से उसे देखे जा रही थी। काली सी वो बदसूरत चमगादड़ आखिर आग कहाँ से सकती थी? किचन के रोशनदान में जाली लगी हुई थी। किचन से बाहर निकलकर इसने हर तरफ का जायजा लिया। तमाम खिड़कियां और रोशनदान जालियों से पुरते, फिर ये चमगादड़। दिमाग में बहुत से सवालियां निशान चकराने लगे। नसरीन खाला, वो चिल्लाई, चेहरे पर खौफ और हैरत के मिले जुले तासुरात नुमाया थे। खाला हाथ में झाड़न पकड़े भागी भागी आई। वो वहाँ वो देखिए, इसके इशारा करने पर खाला किचन की तरफ बढ़ी। करीब जाकर जांचती नजरों से वो बगौर उसे देखती रही। खाला करीब ना जाएं, कहीं आपको कोई नुकसान ना पहुँचा दे, वो किचन की दहलीज पर खड़ी हिदायत दे रही थी। अंदर जाने की इसमें हिम्मत ना थी। अरे कुछ नहीं होता बीबी जी, कहकर वो आगे बढ़ी। हाथ बढ़ाकर उंगली से जैसे ही उस चमगादड़ को छुआ तो अगले ही लम्हे वो चमगादड़ हरकत में आई और तेजी से फड़फड़ाती हुई नादिया के कंधे को छूती हुई किचन से बाहर निकल गई। इसका दिल उछलकर हलक में आ गया और कंधे को छूते ही जैसे इसकी जान निकल गई थी। किचन से निकलकर वो चमगादड़ कहाँ गायब हुई, इस बात की फिक्र इस वक्त किसे थी? एक जोरदार चीख थी जो नादिया के हलक से बरामद हुई और खाला किचन में अपनी जगह पर खड़ी ही खड़ी रह गई। इसने फौरन अहमर को फोन किया मगर वो अपने बॉस के साथ किसी मीटिंग में मसरूफ होने की वजह से फौरन ना आ सका। हवास कुछ बहाल हुए तो उसने खाला के साथ मिलकर घर का कोना कोना छान मारा मगर वो चमगादड़ तो यूं गायब हुई जैसे सिरे से वहां आई ही ना हो। आखिर चमगादड़ गई तो कहाँ गई? थक हार कर वो सोफे पर ढह गई। खाला पास ही नीचे कारपेट पर बैठ गई। न जाने कहाँ दफान हुई, मैंने तो उसे किचन से निकलते ही देखा था, इसके बाद का पता नहीं, खाला ने हाथ नचाकर कहा। नादिया के चेहरे पर खौफ की परछाइयाँ थी। आप लोगों के आने से पहले ये घर कुछ अरसे बन रहा था और बन घरों में ऐसी वैसी चीजें निकल ही आती हैं। आप परेशान ना हो बीबी जी, हालांकि इस बोधी दलील पर इसने घूर कर उसे देखा क्योंकि पिछले 3 दिन से तो वो खाला के साथ मिलकर इस घर को साफ कर करके हलकान हो गई थी और यही वजह थी कि अब घर शीशे की तरह चमक रहा था और चमगादड़ किसी सवालिया निशान की तरह ही रही। वो कहां से आई और कहां गई, ये मामला हल ना हो सका। इन्हें इस मकान में शिफ्ट हुए 3 दिन ही हुए थे। अंदरूनी शहर के एक बेहतर मोहल्ले में इन्हें ये मकान काफ़ी सस्ते दामों मिल गया था। अभी इन्हें इस मकान में आए 1 दिन ही हुआ था जब अगले दिन सुबह सुबह बैरूनी दरवाजे की घंटी बजी और फिर दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाया जाने लगा। इनके इस घर में शिफ्ट होने के बाद ये पहली अजनबी दस्तक थी। कौन, नादिया ने दरवाज़ा खोलने से पहले पूछना ज़रूरी समझा क्योंकि अहमर इस वक्त नाश्ता लेने बाहर गया हुआ था और वो घर में अकेली थी। दरवाज़ा खोलें बीबी जी, मैं हूँ नसरीन, एक शफीक जनाना आवाज़ आई। इसने पुरसोच अंदाज में बंद दरवाजे को देखा। फिलवक्त इसके जहन में ऐसी कोई नसरीन नामी खातून ना आ सकी जिसे वो जानती है। दरवाज़ा एक बार फिर बजाया गया। इसने थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर बाहर झाँक कर देखा। दरमियानी उम्र की एक औरत ने नरम मुस्कुराहट इसकी तरफ दी और साथ ही सलाम झाड़ा। सलाम बीबी जी, मेरा नाम नसरीन है और वैसे सब मुझे खाला कहते हैं,
आप लोग शायद यहाँ नए शिफ्ट हुए हैं, आपसे पहले जो बाजी यहाँ रहती थी वो मुझे अच्छी तरह जानती थी, मैं इस घर में सफाई करती थी। मोहल्लेदारों से मुझे पता लगा कि ये घर फिर आबाद हो गया है, तो सोचा कि पूछ लूँ कि आपको घर के कामकाज के लिए किसी औरत की ज़रूरत है तो मैं हाजिर हूँ। बेवा औरत हूँ जी, और यही काम करके अपने बच्चों का पेट पालती हूँ, उसने एक ही सांस में सारा तारुफ करा डाला। वो पहले चुपचाप सुनती रही, फिर बोली, यहाँ इस मोहल्ले में किस घर में काम करती हैं आप? ये जो गली की नुक्कड़ पर सब स्केट वाला घर है ना बाजी, फरहत का, वहाँ काम करती हूँ जी। आप अपनी तसल्ली करवा लें, मैं जानती हूँ आजकल हालात अच्छे नहीं हैं और अनजान बंदे पर एतबार भी नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं कोई ऐसी वैसी औरत नहीं हूँ बीबी जी। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, नातिया शर्मिंदा सी हो गई, शायद खाला ने इसकी जांचती नज़रों के जवाब में ये वजाहत पेश की थी। ठीक है खाला, आप आज दोपहर से ही आ जाइए, कहकर वो दरवाज़ा बंद करके अंदर आ गई। वो औरत उसे शरीफ और ज़रूरतमंद लगी थी, मगर दिल ही दिल में उसने सोच रखा था कि वो फरहत बाजी की तरफ जाकर तस्दीक ज़रूर कर लेगी, क्योंकि आजकल के दौर में वाकई किसी पर एतबार करना मुश्किल था। दोपहर को खाला आ गई और बड़ी दिलजमी से इसके साथ सारा काम करवाया। शाम को वो इतना थक चुकी थी कि फरहत बाजी के घर जाने और उनसे नसीम खाला की बाबत पूछने का टाइम ही ना मिला, तो उसने ये काम अगले दिन पर उठा रखा। अगले दिन अहमद के ऑफिस जाने के चंद घंटों के बाद चमगादड़ वाला वाकया रोनुमा हो गया, जिसे लेकर नादिया खासी परेशान थी। वैसे खाला एक बात बताएं, ये घर कब से बन पड़ा है? किसी सोच के जेरे असर नादिया से इससे ये पूछ बैठी। काफी अरसे से बन पड़ा था, कोई गाहक ही नहीं लगता था इसका, मोहल्ले वाले तो सब जानते हैं, क्योंकि अपनी ही रौ में बोलते वो अचानक खामोश हो गई। नादिया चौकी, क्या मतलब, क्या जानते थे मोहल्ले वाले? और आप अचानक कुछ बताते बताते रुक क्यों गई खाला? पता नहीं बीबी आप ऐसी बातों पर यकीन करती भी हैं या नहीं, मगर हकीकत यही है। इंसानियों के लिए वो भी रुकी, फिर बोली, बस बीबी जी यहाँ तो कई लोग आए और कई गए, आपसे पहले जो राबिया बाजी यहाँ रहती थी उनके साथ भी बहुत बुरा हुआ, खुदा झूठ ना बुलवाए, कई अजीब और गरीब वाकयात तो मेरी आंखों के सामने रोनुमा हुए थे। बताते हुए खाला इसके करीब खिसक आई, इसकी आवाज़ सरगोशी से बुलंद ना थी, वो यूं बोल रही थी जैसे किसी और के सुन लेने का खतरा लाहक हो। नादिया दहल कर रह गई, क्या वो बमुश्किल इतना ही बोल पाई, कहने वाले कहते हैं कि घर आसेब सदा है, यहाँ तो कोई टिकता ही नहीं, बड़े बड़े नुकसान उठाए हैं जी लोगों ने जो यहाँ रह कर गए हैं, मैंने तो खुद अपनी इन गुनाहगार आँखों से देखा था, राबिया बाजी ने अपने तीनों बच्चे गंवा दिए, हाय बेचारी, मुझे तो बड़ा तरस आता था जी इनकी हालत पर, नीम पागल सी हो गई थी। यकीनन ये घर आपको बड़े सस्ते दामों में मिला होगा, सारी बातें बताकर इसने कयास आराई की। हाँ, मगर नादिया ने घबराई आवाज़ में इतना ही कहा था कि खाला बोल उठी, हाय बेचारी राबिया बाजी। खाला ने एक ठंडी सांस भरी और फिर से शुरू हो गई। पहले तो कई दिन घर की दीवारों पर खून के छींटे पड़े रहते, बड़े बड़े आलमों को लाया गया, मगर किस्मत में जो लिखा हो तो वो होकर ही रहता है। रात अचानक इनके तीनों बच्चे गायब हो गए, बड़ा बेटा 10 साल का था, इसके बाद बेटी थी 8 साल की, और सबसे छोटा बेटा 5 साल का था। हाय मासूम बच्चे, आज भी सोचती हूँ तो कलेजा मुँह को आता है। क्या मतलब, क्या रातों रात तीनों बच्चे खुद ब खुद घर से गायब हो गए? नादिया आलती पालती मारे सोफे में धस बैठी, खौफ से मजीद सिमट कर रह गई, एक हाथ सीने पर धरा था। अरे हाँ तो और क्या, सुबह उठकर दोनों मियाँ बीवी ने पागलों की तरह इन्हें ढूंढा, पूरा घर छान मारा, मगर बच्चे कहीं ना मिले। लेकिन घर के पिछले सहन का नक्शा ही और था, सहन में एक साथ कतार में 3 कब्रें बनी हुई थी। हाय नहीं, नादिया के मुंह से बेख्तियार चीख निकली, अरे आगे तो सुनिए बीबी जी, राबिया बाजी तो खौफ से वहीं बेहोश हो गई, इनके शौहर ने पागलों की तरह आगे बढ़कर कब्रें खोद डाली,
के तीनों बच्चे कब्रों में मुर्दा हालत में पड़े थे। उफ, क्या कयामत थी जो इन दोनों पर टूटी थी। हर आंख अक्षपाट थी, खुद ऐसा दुख दुश्मन को भी ना थी। खाला ने कानों को हाथ लगाकर कहा और नादिया की तो वो हालत थी कि काटो तो लहू नहीं। इसने जिंदगी में पहली बार बे औलाद होने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। बस बीबी जी, सुना है कोई ऐसा ज़बरदस्त आसेब है यहाँ जो किसी को बसने नहीं देता इस घर में, बर्बाद करके रख देता है। खुदा आप लोगों को महफूज रखे। सुकड़ी सिमटी बैठी नादिया सांस रोक के आँखें फाड़े खाला की बातें सुन रही थी। और जब बच्चों का पोस्टमार्टम करवाया गया तो ये बात सामने आई कि बच्चों की मौत दम घुटने की वजह से हुई। ओह मेरे खुदा, तो क्या बच्चों को जिंदा सलामत कब्र में गाड़ा गया था, नादिया के मुंह से बेख्तियार निकला। हाँ जी, सब यही ख्याल करते हैं। और बच्चों की अलमनाक मौत से एक दिन पहले मैंने राबिया बाजी के बेडरूम में जो मंजर देखा, मेरी तो जान निकल गई। क्या देखा खाला आपने? एक सुबह में सफाई करने बाजी के बेडरूम में गई तो क्या देखती हूँ कि ऐन बिस्तर के दरमियान में एक काला सरकटा कुत्ता पड़ा था और पूरे बेड पर ताज़ा खून फैला हुआ था। मैं उल्टे कदमों वापस भागी। राबिया बाजी इस वक्त किचन में थी। खाला अभी बात कर ही रही थी कि बैरूनी दरवाजे की घंटी बजी। घंटी बजाने का वो मखसूस स्टाइल अहमर का ही था। अहमर आ गए, नादिया के मुंह से बेख्तियार निकला। मैं खोलती हूँ दरवाज़ा, खाला बात अधूरी छोड़कर उठ खड़ी हुई। नहीं खाला, मैं खोलती हूँ, बल्कि हम दोनों इकट्ठे ही चलते हैं। मारे खौफ के नादिया फौरन उठ खड़ी हुई, क्योंकि वो दो मिनट भी तना बैठना गवारा नहीं कर सकती थी। अहमर के आने पर नादिया ने खाला को छुट्टी दे दी और खुद अहमर को लिए कमरे में आ गई। अहमर, हमसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई जो ये घर खरीद लिया। परेशानी और खौफ से इसकी आवाज़ कप कपा रही थी। अरे यार, क्या हो गया है तुम्हें? चमगादड़ को लेकर तुम इतना सीरियस हो रही हो। मैं भी भागम भाग आया ऑफिस से कि पता नहीं मोहतरमा को क्या हो गया है। क्या जिंदगी में कभी चमगादड़ नहीं देखी तुमने? ये बात नहीं है कि मैंने कभी चमगादड़ नहीं देखी या मैं चमगादड़ से डर गई। सवाल ये उठता है कि आखिर चमगादड़ आई कहाँ से है और फिर गायब कहाँ हो गई। चमगादड़ ही थी, कोई हाथी तो नहीं था जो किचन में या घर में दाखिल नहीं हो सकता था। और गायब होने का क्या मतलब है? अरे भाई, उड़ गई होगी इधर उधर। तुम पढ़ी लिखी औरत हो, दिल में ऐसे वहम क्यों पाल रही हो? अहमद ने उसे समझाने की कोशिश की तो उसने खाला नसरीन की बताई सारी बातें इसके गोशे गुजार कर दी। खाला तुम्हें हौसला देने के बजाय डराती रहती है, अजीब जाहिल औरत है, वो गुस्से से बोला। और हैरत मुझे इस बात पर है कि तुमने इस अनपढ़ ज़ईफ़ुल एतक़ाद औरत की बातों पर यकीन कर लिया। कमाल है भाई। ये बात तो मैं मानती हूँ कि वो अनपढ़ औरत है, मगर उसने मुझे बड़ा हौसला दिया है। मैं वो ना होती तो शायद मैं बेहोश पड़ी भी होती उस वक्त। खाला की मौजूदगी से मेरे दिल को बड़ा हौसला हुआ। और मेरा दिल कहता है कि खाला की सारी बातें झूठ या फर्जी हरगिज़ नहीं हैं। भला वो कोई मेरी दुश्मन है जो ऐसे फर्जी वाक़यात गड़ गड़ कर मुझे सुनाएंगी? कुछ तो है इन वाक़यात के पसे पर्दा। यार, तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें सूट नहीं करती, तुम तो एक एजुकेटेड औरत हो। अगर कोई अनपढ़ औरत ऐसी बातें करती तो मुझे हैरत ना होती। इसने अफसोस से सर हिलाया। इस कायनात पर जिन्नात के वजूद से तो इनकार नहीं है ना आपको? पर एक बात आप मुझे बताएं कि हमें ये घर इतना सस्ता क्यों मिला है? क्या आप नहीं जानते कि इस इलाके में ज़मीन का क्या रेट है? और इस हिसाब से तो ये घर हमें कौड़ियों के मोल मिला है, आखिर क्यों? नादिया, तुम क्यों दो मुख्तलिफ बातों को आपस में गड़मिट कर रही हो? तुम्हें याद होगा कि डीलर ने हमें बताया भी था कि मालिक मकान जल्द अज जल्द बैरूनी मुल्क शिफ्ट होना चाहता है और इसके पास वक्त भी कम था। वो जल्द अज जल्द अपनी जायदाद फरोख करने के चक्कर में था। और प्लीज़ अपने सवाल मत उठाना कि वो इतनी जल्दी बैरूने मुल्क क्यों जाना चाहता था, क्योंकि ये उसका पर्सनल मामला था। अहमद की बातों पर नादिया ने मजीद बहस का इरादा तर्क कर दिया, क्योंकि वो जानती थी कि अहमद अपनी जिद का पक्का है।
वो कभी भी सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करेगा। मगर वो रात फातिया पर खासी भारी गुजरी। सारी रात वो सो ना सकी। कभी इसकी आंखों के सामने सरकटा काला कुत्ता आ जाता और कभी बसूरत चमगादड़ तीन बच्चों को घर के पिछले सहन में कब्रें बनाकर इनमें जिंदा गाड़ देने वाली बात उसके जहन की स्क्रीन पर सारी रात किसी फिल्म की तरह चलती रही। अगले दिन अहमर के दफ्तर जाने के बाद वो खाला का इंतजार करने लगी। आज वो मामू से कुछ लेट हो गई थी। आधा घंटा मजीद इंतजार के बाद भी जब वो ना आई तो उसने धूप लगवाने के लिए बिस्तर उठाए और छत पर जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगी। छत का दरवाजा खोलकर जैसे ही इसने छत पर पहला कदम रखा, खौफ और दहशत से बेख्तियार इसकी चीख निकल गई। एक लम्हे के लिए वो पथरा कर रह गई। ये सब उसे अपनी आंखों का धोखा महसूस हो रहा था। पूरी छत इस वक्त छोटे बड़े चमगादड़ों से भरी हुई थी। बसूरत हैयत के बहुत से चमगादड़ छत पर उड़ते गिरते बड़ा ही हैबतनाक मंजर पेश कर रहे थे। दिन की इस रोशनी में भी उसे लगा जैसे वो कोई रात के आखिरी पहर का डरावना ख्वाब है। एक झटके से वो उल्टे कदमों नीचे भाग आई। कुछ देर बाद खाला आई तो वो डरते डरते दरवाजे तक गई। शुक्र है खाला आप आ गई, उससे लिपट गई। अरे क्या हुआ बीबी, खैरियत तो है? बस खैरियत ही तो नहीं है खाला, ये कहकर इसने सारा वाकया उनके गोशों गुजार कर दी। हाय मेरे अल्लाह, खाला ने सीने पर दो हथड़ मारे। बीबी मेरी बात मानो तो यहाँ से चली जाओ, इससे पहले कि यहाँ से तुम्हें या तुम्हारे शोहर को कोई जानी नुकसान पहुँचाए। वो जो पहले ही खौफजदा थी खाला की बात सुनकर मजीद दहल गई। शाम को अहमर ऑफिस से आया तो नादिया आज का ताज़ा वाक़या उसको सुनाने के लिए बेचैन थी। इसने खामोशी से सारा वाक़या सुना। दिल ही दिल में वो सोच रहा था कि नादिया को वहम हो चला है और अब इसके वहम का इलाज तसल्ली के अलावा और कुछ नहीं। कि वो मुस्तकिल वहम का शिकार हो गई है तो एक नई बहस का आगाज हो जाना था। सो उसने फिल वक्त बात बदलना ही मुनासिब समझा। तुम फिक्र ना करो, अल्लाह खैर करेगा, तुम बस जल्दी से मेरे लिए खाना लगाओ, बहुत भूख लगी है, मैं जल्दी से नहाकर फ्रेश हो जाऊँ। ये कहकर वो वॉशरूम में घुस गया। नादिया मरे मरे कदमों से कमरे से बाहर निकल गई। 15 मिनट बाद वो वॉशरूम से बाहर निकला तो शशतर रह गया। अटैच वॉशरूम की दहलीज पर कदम रखे वो साकित था। बिस्तर की चादर जो 15 मिनट पहले बेदाग थी, अब इस पर जा बजा ताज़ा खून के धब्बे थे। वो ठहरे ठहरे कदमों से आगे बढ़ा, उनके ताज़ा सुर्ख कतरे को अपनी उंगली से छुआ और चंद लम्हे बगौर देखता रहा। यकायक उसे एहसास हुआ कि खून इसकी उंगली की पोर से बह रहा है, बिल्कुल उसी जगह से जहां उसने बिस्तर पर मौजूद खून को छुआ था। इसने कंधे पर पड़े तौलिए से उंगली साफ की मगर खून दोबारा बहना शुरू हो गया। कभी वो हैरत से अपनी उंगली से बहते खून को देखता, कभी बिस्तर पर मौजूद खून के छींटों को। ये वहम हरगिज ना था। अगर यही बात उसे नादिया बताती तो वो हरगिज यकीन ना करता और उसे इसका वहम करार दे देता। मगर इस गैर मामूली नौयत के वाक़े ने फिल वक्त इसके हवास मुंजमद कर दिए थे। खाना तैयार है अहमर, आ जाइए, मैं कब से आपका वेट कर रही हूँ, अपनी ही रोमे बोलती वो अंदर दाखिल हुई। लेकिन अंदर का मंजर देख कर इसकी जबान तालू से चिपक गई। जब तक खाला ना आ जाए आप मुझे अकेला छोड़कर ऑफिस नहीं जाइएगा। अगले दिन सुबह नाश्ते के बाद नादिया ने उसे बड़ी फिक्रमंदी से कहा। वो रात दोनों ने तकरीबन जागते ही गुजारी थी। फिक्र ना करो, मैं तभी जाऊंगा जब खाला आ जाएगी, तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाता, इसने तसल्ली दी। और प्लीज़ कुछ करें अहमद, कोई और घर देखें, हमें जल्द अज जल्द इस घर को छोड़ देना चाहिए। पहले तो आप मेरी बात पे यकीन नहीं करते थे, मगर अब तो आपने खुद अपनी आंखों से देख लिया है कि इस घर में कैसे कैसे अजीबोगरीब वाकयात रोनुमा हो रहे हैं। तुम फिक्र ना करो, मैं कुछ करता हूँ। इसी वक्त बैरूनी दरवाजे की घंटी बजी। लगता है खाला आ गई, नादिया कहते हुए उठ खड़ी हुई। शहरोज इसका कुलीग होने के साथ साथ अच्छा दोस्त भी था।
ऑफिस में आकर चंद ज़रूरी काम निपटाने के बाद वो शहरोज के कैबिन में चला गया। सारे वाक़यात इसके गोशो गुजार कर दी। वो खामोशी से सब सुनता रहा, फिर बोला, बात तो खासी तशवीशनाक है। मैं एक बाबा जी को जानता हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो सिलसिले में तुम्हारी ज़रूर मदद करेंगे। फिर कब चलें इनके पास, इसने बेताबी से पूछा। जब तुम कहो। ठीक है, आज ऑफिस से वापसी पर चलते हैं, वो झट से बोला, क्योंकि वो जल्द अज जल्द इनसे मिलना चाहता था और अब तो उसे भी काफ़ी हद तक यकीन हो चला था कि घर में कुछ तो है। इसने अपनी उंगली को गौर से देखा, जहाँ इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद खून तो अब रुक चुका था, मगर एक बड़ा वाज़े ज़ख्म का निशान वहाँ मौजूद था जो उसके लिए किसी मामले से कम ना था। उस दिन अहमर ऑफिस से वापस आया तो उसके हमरा एक लंबी सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग थे। अहमर ने नादिया को एक तरफ ले जाकर बाबा जी के बारे में बताया तो उसे उम्मीद की एक किरण नज़र आई। बाबा जी पूरे घर का बगौर जायज़ा लेते रहे। घर के तमाम अफराद अहमद, नादिया और हत्ता के खाला को भी घूर घूर कर देखते रहे। फिर हंकार के बोले, घर में कुल कितने अफराद रिहाइश पजीर हैं? इस दौरान वो हाथ में तस्बीह लिए मुसलसल कुछ पढ़ते चले जा रहे थे। 120, बेख्तियार खाला नसरीन के मुंह से निकला। नादिया और अहमद ने घूम कर इसकी तरफ देखा, इन्हें खाला की दिमागी हालत का शुबा हुआ। नादिया को खाला से इस बेवकूफ़ी की तवक्को ना थी। बाबा जी भी पूरे के पूरे खाला की तरफ मुतवज्जो हो गए। वो गड़बड़ा कर बोली, माफ़ कीजिएगा, मैं मकान नंबर बता बैठी, ये मकान 120 है। इस बोते जवाब पर अहमद उसे घूर कर रह गया। खाला बेचैनी से पहलू बदल रही थी। बाबा जी ने हंसब आदत हंकारा, फिर घर के दरो दीवार को बखौर देखते हुए बोले, पूरा कुंबा है, अच्छी खासी तादाद है। क्या मतलब बाबा जी, मैं समझा रही। वो बाबा जी को लिए ड्राइंग रूम में आ गया और नादिया खाला नसरीन को लेके बेडरूम में चली गई। समझा देंगे इतनी जल्दी क्या है, लेकिन फ़िलहाल इतना ही कहेंगे कि इस घर में जन्नत का बसेरा है और तादाद भी अच्छी खासी है। मियाँ, तुम्हारा काम ज़रा मुश्किल है मगर हो जाएगा, सरा देर लगेगी मगर अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। तुम कल आना मेरे पास, हम तुम्हें कुछ तावीज़ात देंगे और सारी तफसील भी बता देंगे, और जितना ज़्यादा हो सके घर में कुरान की तिलावत किया करो बावाज़े बुलंद, मुसीबतों से बचे रहो। अच्छा भाई, फ़िलहाल हमें इजाज़त दो, वोट खड़े हुए। और हाँ मियाँ, एक और बात, वो जाते जाते रुके, पलटे फिर बोले, घर के तमाम अफराद पर कड़ी नज़र रखना, ये आखिरी बात इसकी समझ से बालातर थी। इनकी इस बात का आखिर क्या मतलब था, और घर में अफराद ही कितने थे, वो सख्त उलझन का शिकार हो गया। अगला दिन बड़ा अजीब था। वो ऑफिस के बाद फौरन बाबा जी की तरफ भागा, मगर वहाँ पहुँच कर इसकी हैरत की इंतहा ना रही। जब इसे ये मालूम हुआ कि बाबा जी आज ही हरकत कल्ब बंद हो जाने की वजह से इंतकाल कर गए हैं, इसने इसी वक्त शहरोज़ को कॉल करके ये इत्तला दी। वो भी हैरान रह गया, इस बात ने अहमर को हिला कर रख दिया था। अच्छे भले बाबा जी जिन्हें वो कल रात अपने साथ घर लेकर गया था, आज इस दुनिया ही में ना रहे। बहुत से राज वो अपने सीने में ही लिए दुनिया से कूच कर गए। उन्होंने आज उसे तावीज़ देने के साथ साथ बहुत सी बातें भी बतानी थी, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। पर उनकी घर के अफराद पर नज़र रखने वाली बात ने तो उसे खासा बेचैन कर रखा था। उसे यकीन था कि आज ये राज भी खुल जाएगा, मगर इसकी नौबत ही ना आई। बेहद रंजीदा सा वो घर वापस आ गया। क्या बात है, खाला जल्दी चली गई? घर पर नादिया को अकेला देखकर इसने सवाल किया। हाँ, उनको कोई काम था, मैंने बहुत रोका मगर वो बड़ी मिन्नत समाजत कर रही थी। अच्छा, सब ठीक है ना घर पे? उसने मखसूस से लहजे में पूछा। हाँ, अब तक तो ठीक है। एक बुरी खबर है। क्या? बाबा जी इंतकाल कर गए हैं। क्या, ये कैसे हो सकता है? अभी कल तो वो हैरान रह गई। उम्मीद की एक किरण जो बाबा जी की सूरत में सामने आई थी, अब वो ख़त्म हो गई थी। अब क्या होगा, सीने पर हाथ रख के वो पूछ रही थी।
अल्लाह खैर करेगा, वो मालिक है, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेगा। अहमद ने हंसते मामूल तसल्ली दी, मगर नादिया की परेशानी में रत्ती बराबर फर्क ना आया। अगले दो दिन खाला नसरीन गायब थी। वो काफ़ी हैरान थे, आखिर वो बग़ैर इत्तला के गई तो कहाँ गई। वो दिन दोनों पर खासी भारी थे। अहमद खूब तसल्लियाँ देने के बाद बड़ी देर से ऑफिस जाता और फिर भागम भाग शाम से पहले पहले घर वापस आ जाता। दिन का वो हिस्सा नादिया के लिए बड़ी अजियत से गुजारती। हर दम धड़का सा लगा रहता था, खौफ के साए मंडलाते रहते। ऊपर से रोज़ कोई ना कोई गैर मामूली वाक़या होना भी खोया लाजिम था। कभी छत से किसी के भागने दौड़ने की आवाज़ें आती, कभी कमरे की खिड़की से चमगादड़ों के फड़फड़ाने की आवाज़ें, और यूं लगता जैसे बहुत से चमगादड़ कमरे की खिड़कियों से अंधाधुंध टकरे मार रहे हैं। कभी पिछले सहन से बहुत सी औरतों के कहकहे लगाने की आवाज़ें सुनाई देती। जरचेरा लिए वो खौफ से कांपती रहती, और हर रात इनके बेड पर खून के छींटे पड़ना तो मामूल की बात हो गई थी। दोनों की ज़िंदगी अजीरन हो गई थी। तीसरे दिन इसके आसाब जवाब देकर बर्दाश्त की हिम्मत ख़त्म हो गई। उसे याद आया कि खाला ने बताया था कि वो गली की नुक्कड़ पर फरद बाजी के घर में भी काम करती हैं। घर में होने वाले पुरसरार वाक़यात में फंस कर दिमाग ऐसा माउफ हुआ था कि वो अब तक इनके घर भी ना जा सकी थी। तीसरे दिन अहमद के ऑफिस जाते ही वो निकल खड़ी हुई। फरद बाजी को अपना तारुफ करवाने के बाद इसने खाला नसरीन के बारे में पूछा तो वो हैरान रह गई और बोली, मैं तो हमेशा से सारे घर का काम खुद ही करती हूँ, आज तक कोई काम करने वाली नहीं लगवाई। क्या, तो क्या आप किसी खाला नसरीन को नहीं जानती? नहीं, तो मैंने तो ये नाम भी नहीं सुना। इस मोहल्ले में जो दो तीन औरतें मुख्तलिफ घरों में काम करती हैं उनको तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ, और मुझे इस मोहल्ले में रहते हुए 15 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है। पर अम्बाजी की बातें सुनकर इसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। फिर नसीन खाला कौन थी, कहाँ से आई थी और कहाँ गई? वो हैरतज़दा खौफ में डूबी घर वापस आई। इस वक्त वो इतनी आवाज़ पाखता थी कि बैरूनी दरवाज़ा लॉक करने का होश भी ना रहा। अंदर दाखिल होते ही इसके कदम जैसे ज़मीन ने जकड़ लिए। उसे यूँ लगा कि वो पत्थर की हो गई है। लाउंज में सोफे पर खाला नसरीन बैठी थी। वो हैरान थी। अव्वल तो खाला ने कभी इतनी जुर्रत ही ना की कि सोफे पर इतने मज़े से बरजा मार हो। दूसरा सवाल ये उठता था कि खाला अंदर कैसे आई जबकि वो बैरूनी दरवाज़ा लॉक करके फरद बाजी के घर गई थी। खाला आप अंदर कैसे, तो मुश्किल इतना ही बोल पाई। जवाबन खाला ने अजीब से अंदाज में ज़ोरदार कहकह लगाया। ये गैर इंसानी का कहा था। नादिया का दिल बंद होने लगा। देखते ही देखते खाला की शक्ल बदल चुकी थी। इसकी आंखें फैल कर कानों तक खिंच गईं और निचला जबड़ा खुलकर यूं लटक गया जैसे फाले जदा हो। नादिया मारे खौफ के बेहोश होने के करीब थी। ये मनाजिर इसके लिए किसी क़यामत से कम ना थे। ये घर हमारा है, हमने तुम्हें बहुत दफ़ा समझाने की कोशिश की कि चली जाओ यहाँ से अपने शोहर को लेकर, छोड़ दो ये मकान, मगर तुम लोग नहीं समझे और चले थे हमें यहाँ से निकलवाने। कहाँ गया वो तुम्हारा बाबा, इसकी भी छुट्टी करा दी हमने। जो भी हमारे रास्ते में आया जिंदा ना बच सका। शक्ल के साथ साथ खाला की आवाज़ भी बदल गई थी। नादिया आँखें फाड़े देखो सुन रही थी। उसे ये सब किसी डरावने ख्वाब की मानंद लग रहा था। अचानक घर के पिछले सहन से शोर की आवाज़ सुनाई देने लगी, और फिर यकायक बहुत सी खौफनाक शक्लों वाली औरतें और अजीबोगरीब हैयत वाले बच्चे धड़ाधड़ लॉन्च में दाखिल होने लगे, और देखते ही देखते पूरा लॉन्च इस गैर इंसानी मखलूक से भर गया। पिछले सहन से मुसलसल अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थी, जैसे वहाँ अभी भी बहुत से लोग मौजूद हों। वो वहाँ से भाग जाना चाहती थी, मगर टांगों में जैसे जान ही ना रही। फख चेहरा लिए वो बमुश्किल दीवार का सहारा लेकर खुद को गिरने से बचा पाई। वो औरत जिसने खाला नसरीन के नाम से इंसानी रूप धारा था अचानक नादिया के बेहद करीब आ गई।
इससे पहले कि वो नादिया को छूती, वो चकरा कर गिरी और होश से बेगाना हो गई। बहुत देर से उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी जिसे वो कोई नाम नहीं दे पा रहा था। बार बार काम से तवज्जो भटक जाती। फेरोज ने उसकी बढ़ती हुई बेचैनी को देखकर बोला, खैरियत तो है यार, तबीयत तो ठीक है? हाँ नहीं, पता नहीं नादिया के लिए घर में किस हाल में होगी, खाला भी नहीं आ रही है आजकल। तुम्हारा तो जहन घर में ही अटका रहता है यार, कॉल कर लो घर। फेरोज के कहने पर उसने घर कॉल की, मगर नादिया फोन ही नहीं उठा रही थी। उसने बार बार कॉल की मगर जवाब न दारुकी। अब इसकी परेशानी में मजीद इजाफा हो गया। तुम ऐसा करो, घर का एक चक्कर लगाओ, तब तक मैं काम संभाल लूंगा। शहरोज की तसल्ली पाकर वो उठ खड़ा हुआ। घर के दरवाजे पर पहुँच कर वो बड़ा हैरान हुआ। बैरूनी दरवाज़ा खुला पड़ा था। नादिया इतनी लापरवाह तो हरगिज ना थी। उसे अनहोनी का एहसास हुआ तो वो खुला गेट पार करके अंदर दाखिल हुआ। अंदर से आने वाली अजीबो गरीब आवाज़ों ने उसे तेज तेज चलने पर मजबूर कर दिया। दरवाज़ा खोलकर वो लाउंज में दाखिल हुआ तो अंदर का मंजर देखकर इसकी खिड़की बंद गई। मगर फिर नादिया को इस गैर इंसानी मखलूक के हाथों में देखते ही इसने होश के नाखून लिए। ने खौफ पर काबू पाने की कोशिश की तो उसे बाबा जी की बात याद आई। आंखें बंद करके इसने आवाज़ें बुलंद कुरानी आयात की तलावत करना शुरू कर दी। जो जो आयात उसे ज़बानी याद थी वो पढ़ता रहा। जब उसे कमरे में खामोशी और तन्हाई का एहसास हुआ तो उसने झट से आंखें खोल दी। नादिया एक कोने में बेहोश पड़ी थी। बर्फ रफ्तारी से इसकी तरफ बढ़ा, उसे उठाकर बाहर गाड़ी तक लाया। गाड़ी में डालकर इसने गाड़ी फुल स्पीड से अस्पताल की तरफ बढ़ा दी। डॉक्टरों के अंतर कोशिशों से नादिया को बचा लिया गया। डॉक्टर्स का कहना था कि नादिया को गला दबाकर मारने की कोशिश की गई है। अगर उसे अस्पताल लाने में कुछ देर हो जाती तो उसे बचाना मुमकिन ना होता। ये राज भी खुल चुका था कि बाबा जी ने घर के अफराद पर नज़र रखने को क्यों कहा था। इस सारे वाक्य को अहमद ने मीडिया और प्रेस से कैसे बचाया, ये एक अलग कहानी है। आज इस वाक्य को कई बरस बीत चुके हैं। नादिया के सेहतयाब होने के बाद इन दोनों ने गलती से भी इस आसेबजदा मकान में कदम नहीं रखा और दूसरा मकान किराए पर लेकर रहने लगे। मगर इतने साल गुजर जाने के बाद आज भी अन्नू ने लोहारी गेट लाहौर के एक मोहल्ले में वो पुरसरार मकान बड़ी हैबत से खड़ा है, वीरान और खाली। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको इस स्टोरी में क्या अच्छा लगा और क्या नहीं। आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया।